हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज से हम फिर से शुरू करने वाले हैं क्लोनिंग का पार्ट। ठीक है, मतलब हम एक और चीज क्लोनिंग करेंगे जो कि मैं आपको दिखाऊंगा पार्ट पार्ट में। ठीक है, तो हम क्लोनिंग करेंगे सैमसंग का वेबसाइट। ठीक है, आज के वीडियो में मैंने सिर्फ नैव बार बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लोगो है और यहाँ पे कुछ एलाइज है और इधर भी दो एलाइज है और तीन आइकन्स है हमारा। ठीक है, और ये जो वेबसाइट रहेगा फुल्ली रेस्पॉन्सिव रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ नैव बार बना के मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीएस कोड में बिना कोई देरी किए। तो यहाँ पे देखो, मैंने बूटस्ट्रैप का दो क्लासेस लगा लिए, ये ऊपर का जो दो है और ये जो मैंने एक्स्ट्रा सीएसएस लिखा है, मतलब मैं खुद से सीएसएस जो लिखूंगा उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक आइकन करके फोल्डर है जिसमें मेरे पास आइकन्स है। ठीक है, कुछ एंड देन एक लोगो है जो कि होगा सैमसंग का ही। ठीक है, ये वाला तो हम यही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक डिव बना लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास क्या दे दूंगा, कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। आफ्टर दिस मैं एक और डिव इसमें क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जिसे मैं क्लास दे दूंगा कंटेनर। इसके बाद मैं इसके अंदर अब नैव टैग खोलूंगा। ठीक है, जिसमें हमारा क्या रहेगा, नैव बार। नैव टैग मैंने खोल लिया, इसके अंदर एक डिव बनाएंगे जिसे मैं अपना क्लास दूंगा डॉट लोगो करके। ठीक है, इसमें हमारा क्या रहेगा, सिंपल एक लोगो रहेगा। तो आई एम टैग और जो मैंने लोगो आपको दिखाया वो यहाँ पे हम पाथ दे देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। आफ्टर दिस मैं क्या करूंगा, इसके अंदर यू एल क्रिएट करूंगा और इस यू एल के अंदर मैं ये एलाइज बनाऊंगा। ठीक है, जितना यहाँ पे ना, यहाँ पे है 3, 6, 7, 8। ठीक है, इन सब में मैं क्या करूंगा, एंकर टैग यूज करूंगा। ठीक है, इन सब में मैं एंकर टैग लगा देता हूं। कंट्रोल एस टू सेव। यहां पे हमने क्या किया, टेक्स्ट भी लिख लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मेरे को यूएल में कुछ क्लासेस देने हैं। ठीक है, रेस्पॉन्सिव करने के लिए तो मैं यहां पे क्लास दूंगा जो कि बूटस्ट्रैप का क्लास होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो मैं क्या क्या क्लास दे रहा हूँ। तो सबसे पहला क्लास डिस्प्ली नन, मतलब डिस्प्ले नन। ठीक है, आफ्टर दिस मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले जो एक्सेल में होगा ना, एक्सेल में मैं क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, एक्सेल में जब भी होगा ये ब्लॉक हो जाएगा और डी और एक्सेल में मैं इसे फ्लेक्स भी कर दूंगा। ठीक है, बाकी में क्या रहेगा, ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1200 स्क्रीन का विड्थ पहुंचेगा ना, उसके बाद दिखेगा 1200 से ऊपर पे, 1200 रहेगा तो ये डिस्प्ले नन हो जाएगा। ठीक है, हमने इस पे किया। ठीक है, आफ्टर दिस मैं क्या करूंगा, ये जो लोगो वाला डिव है इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और एक और डिव बनाएंगे जिसे मैं क्लास दूंगा लिस्ट। इसमें मेरे पास क्या रहेगा, दो यूएल रहेंगे। ठीक है, एक में हमारा क्या रहेगा, एक यूएल में हमारा सपोर्ट एंड ये जो यहाँ पे है सपोर्ट एंड फॉर बिजनेस ये रहेगा, और दूसरे में हमारा तीन आइकन्स रहेंगे। ठीक है, तो पहले यूएल में मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 और इसमें भी हम एंकर टैग लगा लेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। आफ्टर दैट हम इस यूएल लिस्ट वाले डिवी के अंदर एक और यूएल क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हमें तीन एलाई चाहिए। ठीक है, वो आइकन्स के लिए, तो मैं 3 कर देता हूँ और इसमें हम क्या करेंगे, तीनों में आईएमजी टैग लगा देंगे। ठीक है, एलाई में। यहाँ पे मैंने जो फोल्डर दिया वो, यहाँ पे जो मैंने फोल्डर दिया है वो फोल्डर का हम नाम दे देंगे। ठीक है, लोगो, और यहाँ पे एक एक लगा लेंगे। तो पहला क्या है, हम वो देख लेते हैं, पहला सर्च है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सर्च आइकन। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, तो कंट्रोल एस टू सेव और हमारा HTML कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा यहाँ पे देख सकते हो HTML कंप्लीट हो गया। और मेरे को अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा आइकन है ना, मैं इसे क्लास दूंगा। ठीक है, और ऊपर वाले यूएल को भी मैं क्लास दूंगा, तो इसे मैं क्लास दे दूंगा एल, इस यूएल को क्लास दे देंगे एल बॉक्स 2 करके। ठीक है, मतलब लिस्ट का बॉक्स 2, और इस वाले यूएल को मैं क्लास दे दूंगा एल बॉक्स 1। ठीक है, लिस्ट वाले बॉक्स 1। ठीक है, क्लास, कंट्रोल एस टू सेव। और अब मैं क्या करूंगा, इस वाले को भी यही बूटस्ट्रैप का क्लासेस दे दूंगा। ठीक है, मेरे को ये और जो नीचे वाला दो, ये सपोर्ट एंड फॉर बिजनेस है, ये मेरे को नहीं दिखाना है छोटे स्क्रीन पे। ठीक है, तो कंट्रोल वी, अपना क्लास देके उसके बाद बूटस्ट्रैप का क्लास
दैट्स इट। ठीक है, इतना करने के बाद हम कंट्रोल सेव कर लेंगे। अब हम लिखेंगे CSS। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार गो लाइव करके पेज को देख लेते हैं अपना। ठीक है, तो देखो अभी पेज ये ऐसा दिख रहा है, एकदम भद्दा सा। ठीक है, हम इसे डिजाइन करेंगे। ओके, तो चलते हम अपने CSS वाले फाइल पे। तो हम आ चुके हैं अपने CSS वाले फाइल में। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉन्ट ऑसम क्या किया है, URL इंपोर्ट किया है। ठीक है, गूगल फॉन्ट का। एंड यहाँ पे CSS को मैंने रीसेट किया। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, नैव वाले टैग पे आऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट नैव को मैं विड्थ दे दूंगा। ठीक है, विड्थ मैं 100% दे दूंगा नैव को। देन फिर मैं हाइट क्या करूंगा, इसे 80 पिक्सल दे दूंगा। ठीक है, आफ्टर दिस मैं इसका डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैग्स। जस्टिफाई कंटेंट मैं कर दूंगा इसमें स्पेस बिटवीन। ठीक है, एंड देन अलाइन आइटम भी मैं कर दूंगा इसका सेंटर। कंट्रोल एस टू सेव। आफ्टर दैट इसके अंदर जो डॉट लोगो है उस पे आएंगे। ठीक है, नैव इसमें मैं फॉन्ट साइज कर दूंगा मीडियम। फिर मैं इसे मार्जिन लेफ्ट दूंगा, मार्जिन लेफ्ट अराउंड 0.9 mm। और फिर मैं इसका डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, इसका विड्थ मैं कर दूंगा 2। फिर हाइट मैं सेट कर दूंगा इसका 60 पिक्सल। एंड जस्ट हाई कंटेंट मैं कर देता हूँ इसका स्पेस इवनली। एंड लास्ट में मैं क्या करूँगा, लाइन आइटम कर दूंगा सेंटर। कंट्रोल एस टू सेव। दैट लोगो के अंदर जो IMG है उस पे आएंगे। ठीक है, मतलब जो लोगो है वो। ठीक है, लोगो के अंदर जो IMG है उसका मैं क्या करूंगा, विड्थ कर दूंगा 100 पिक्सल। ठीक है, एंड हाइट मैं इसका कर दूंगा 30 पिक्सल। कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं इसके अंदर जो UL है उस पे आऊंगा। ठीक है, लोगो के अंदर जो UL है उस पे। ठीक है, डॉट लोगो डिस्प्ले में क्या करूंगा, इसका कर दूंगा फ्लैक्स। एंड फिर मैं अलाइन आइटम में कर देता हूँ इसका सेंटर। लिस्ट स्टाइल को ऑब्वियसली है नन करना पड़ेगा। और मार्जिन में इसका क्या करता हूँ 0। पैडिंग भी मैं कर दूंगा इसका 0। ठीक है, क्योंकि जो बूटस्ट्रैप का हमने लिंक यूज किया है उसके वजह से मार्जिन और पैडिंग आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद में क्या करूंगा, मार्जिन लेफ्ट दूंगा इसे। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम आएंगे इसके अंदर LI है, LI के अंदर जो A है उस पे। ठीक है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, LI के अंदर जो A है उस पे। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन। एंड फिर मैं इसे क्या करूंगा, पैडिंग दे दूंगा टॉप बॉटम से 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। ठीक है, और फिर मैं इसे फॉन्ट साइज सेट कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 13 पिक्सल कर दूंगा। एंड फॉन्ट विड्थ 400 कर दूंगा। ठीक है, और कलर तो ऑब्वियसली ब्लैक कर दूंगा, ब्लैक। एंड इसमें मैं फॉन्ट फैमिली डालूंगा। ठीक है, जो कि मैंने गूगल फॉन्ट से लेके आया। ठीक है, फॉन्ट फैमिली प्लस टू सेव। ठीक है, मैंने ये फॉन्ट फैमिली गूगल फॉन्ट से लेके आया। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, इम्पोर्ट किया मैंने। एंड देन के बाद में क्या करूंगा, इस पे होवर लगा दूंगा। ठीक है, ये ए पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, होवर। होवर करने पे क्या हो, तो बैकग्राउंड हम कलर कर देंगे इसका ब्लैक। एंड कलर ऑब्वियसली हम कर देंगे इसका व्हाइट। एंड देन इसमें हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस लगा देंगे। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। कंट्रोल एस टू सेव। अब हम आते हैं लिस्ट वाले डिफ पे। ठीक है, लिस्ट मैं अभी आपको गो लाइव करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि जो लिस्ट के अंदर जो आइकन है उसके वजह से आपको एकदम भद्दा सा दिखे। ठीक है, पेज इसीलिए। तो लिस्ट में मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले कर दूंगा फ्लैक्स। एंड देन फिर मैं इसका विड्थ कर दूंगा ऑटो, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। और फिर मैं इसे मार्जिन राइट दे दूंगा। ठीक है, MR को MR मैं इसे दे देता हूँ 0.9 mm के ऊपर जितना मैंने दिया था। आफ्टर दैट मैं जस्टिफाई कंटेंट में इसका कर दूंगा स्पेस इवन। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब इसके अंदर जो UL है उस पे आते हैं। क्या करूंगा, लिस्ट स्टाइल कर दूंगा इसका नन। डिस्प्ले कर दूंगा मैं इसका फ्लैक्स। और जो इसमें मार्जिन आ रहा है ना बूटस्ट्रैप की वजह से, मैं वो कर दूंगा 0। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, ये तो चीज है ना, मैं ये कर लूंगा कॉपी, क्योंकि मेरे को जो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जो इस पे चाहिए वही सेम चीज मेरे को ये सपोर्ट और फॉर बिजनेस पे भी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने इस चीज के लिए CSS लिखा है वही चीज मैं कॉपी कर लूंगा और सिर्फ लोगों की जगह लिस्ट लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो कॉपी किया है कंट्रोल वी, और लोगों की जगह मैं कर दूंगा लिस्ट। ठीक है, लिस्ट। और सेम थिंग नीचे भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे को उस पर भी होवर लगाना है। ठीक है, दोनों को मेरे को सेम बनाना है। ठीक है, लेफ्ट वाले में जो सपोर्ट और राइट वाले में जो सपोर्ट
और बिजनेस है वो, और इधर जो एल आई है उस पे भी। आफ्टर दैट इसके अंदर जो इमेज है हम उस पे आते हैं, ठीक है। डॉट लिस्ट, लिस्ट के अंदर आई थिंक ठीक है डायरेक्ट है, तो यहाँ पे हम एंकर टैग लगा लेते हैं, ठीक है। हम इन सब में भी एंकर टैग लगा देते हैं ताकि कर्सर करने पे पॉइंटर वो ना हो, ठीक है। इससे एंकर टैग में लगा देंगे ताकि जब भी कोई इस पे कर्सर लेके जाए तो ये ऑटोमेटिकली पॉइंटर आए, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूएल, यूएल के अंदर जो एल आई है, एल आई के अंदर जो ए है, ए के अंदर जो आई एम जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैं कर दूंगा 20 पिक्सल, एंड देन यहाँ पे हाइट भी मैं कर दूंगा 20 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव। अब हम देखते हैं अपने पेज को, ठीक है। तो हम आ जाएंगे अपने पेज पे और रिफ्रेश में कर लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो कंटेनर है ये हटा देते हैं क्लास, कंट्रोल एस टू सेव। और अब तो देखो यहाँ पे अब ये परफेक्टली सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इस पे भी होवर करने पे इसका बैकग्राउंड क्या हो रहा है, ब्लैक आ जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पे ना ये होवर वाले जगह पे मैं क्या करूंगा, ये क्लास दे दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो बॉक्स टू, ठीक है, एल बॉक्स टू, ठीक है। यू एल ना दे के मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट एल हाइफन कंट्रोल एस टू सेव। और अब हम देखें तो आ रहा है, ठीक है। ये तो हम क्या करते हैं, इसका एल आई हटा देते हैं, ठीक है, एल आई रिमूव कर देते हैं हम। नाउ Now also it coming. Okay. तो हम क्या करेंगे, इस पे नहीं आ रहा है पर इस पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे डॉट लिस्ट बॉक्स के अंदर, ओके, तो यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, बॉक्स टू लिस्ट बॉक्स वन, बॉक्स वन पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये हटा के बॉक्स वन कर देता हूँ क्योंकि बॉक्स वन पे है मेरा वो चीज, इस पे आ रहा है, अब इस पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये चीज सेट हो गया, ठीक है। हमें क्या करना था, बस यहाँ पे बॉक्स वन पे लगाना था होवर, ठीक है। तो ओके हमारा नैव कंप्लीट है, ठीक है। एक बार हम रिस्पॉन्सिव चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट और डिवाइस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूव हो गया वो चीज, और अगर मैं आईपैड पे देखूं, ठीक है, तो आईपैड पे भी ये रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो जो हमने सोचा था वैसा कंप्लीटली हमने रिस्पॉन्सिव बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार 1300 करके एंटर। नाउ देखो जैसे मैं इसे 1200 से नीचे जाएगा तो ये क्या हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा है आपको। देखो जैसे ये 1200 से नीचे जाएगा तो ये हमारा जो एलाइज है, मतलब जो यहाँ पे होम शॉप मोबाइल ये वगैरह है, ये सब डिस्प्ले नन हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें यही चाहिए था तो हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब हमें ये है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हैमबर्गर लगाएंगे और उस पर क्लिक करने पे जो ये चीज बड़े स्क्रीन पे आ रहे हैं, छोटे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, ये चीज हम उसमें लगाएंगे, ठीक है, वो भी बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।